और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शामली से, वेयर अ पुलिस आउटपोस्ट इन झिंझना एरिया ऑफ द शामली डिस्ट्रिक्ट हैज बीन टारगेटेड. अ होम गार्ड वॉज शॉट एंड द असेलेंस इन फैक्ट स्नैच्ड टू राइफल्स फ्रॉम द पुलिस पोस्ट इन शामली. रात को 10:15 बजे की बात है. यहाँ पे हमारा ही चेक पोस्ट है, यहाँ पर सिपाही और एक होमगार्ड यहाँ ड्यूटी पर थे. दो मोटरसाइकिलें आई थी, उसमें 3-3 लोग थे. उन्होंने आते ही जो है वो होमगार्ड पर फायर किया. उसके बाद उसकी राइफल और सिपाही अंदर यहाँ पर सामने बगल में ही था, उसकी एक राइफल और दोनों की राइफल छीन करके यहाँ से फरार हुए हैं. Let's now go across to our UP bureau chief Amir Haq, who joins us with more information. Amir, क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये तीन लोग कौन थे? देखिए स्वाति, ये जो पुलिस पोस्ट है ये झिंझाना इलाका है शामली का, जहां पर थी और देर रात यहां पर दो मोटरसाइकिल्स पर सवार तीन यानी कुल 6 बदमाशों ने इस पुलिस चौकी पर धावा बोला. कमाल की बात यह है कि होमगार्ड को जब गोली लगती है वो रेजिस्ट करता है इन राइफल्स के लूटे जाने को, तो जो साथ में पुलिस वाला था वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद इसको होमगार्ड को गोली मारकर ये 6 बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं और साथ ही चौकी में रखी हुई 2 राइफल्स जो कि सर्विस राइफल्स थी वहां पुलिस वालों की, उनको लेकर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं. तो देखने वाली बात यह है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर तमाम सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां हरियाणा और यूपी के बीच जो बॉर्डर की पोस्ट है वहां पर इतनी कम तादाद में पुलिस वाले हैं और दूसरी बात यह कि जो पुलिस वाला वहां पर मौजूद है होमगार्ड के साथ में वो चौकी छोड़कर भाग जाता है जब बदमाश धावा बोलते हैं. जाहिर सी बात है इससे साफ तौर पर पता लगता है कि यूपी पुलिस में बदमाशों से निपटने की कितनी तैयारी है और किस तरह का जज्बा है. बिल्कुल आमिर, यूपी पुलिस डिपार्टमेंट को इस सवाल या निशान उठते हैं यूपी पुलिस की कार्यशैली पर. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए.